हाय, हम अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर जीएन साई बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि मामले में डिटेल हियरिंग की जरूरत है, इसीलिए अभी साई बाबा जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साई बाबा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने कहा कि फॉर्मर प्रोफेसर 8 साल से जेल में है, उनकी उम्र 55 साल है और उनके शरीर का 90% हिस्सा काम नहीं करता है। साई बाबा व्हीलचेयर पर चलते हैं, इसलिए उन्हें जेल में अब न रखा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आतंकी और नक्सली गतिविधि में शामिल होने के लिए शरीर की नहीं ब्रेन की जरूरत होती है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम आप तक रोज ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा सकें। 14 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साई बाबा को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि तुरंत साई बाबा को जेल से रिहा कर दिया जाए। हाईकोर्ट से जेएन साई बाबा के बरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में गए। मेहता ने कहा कि टेक्निकल आधार पर साई बाबा को रिहा किया गया है, वे अगर जेल से बाहर आते हैं तो देश के लिए ये खतरनाक होगा। साई बाबा का माओवादियों से कनेक्शन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अर्जेंट सुनवाई के लिए आप चीफ जस्टिस के पास जाइए, हम रिहाई पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद बेंच गठित कर आज साई बाबा की रिहाई का आदेश सस्पेंड किया गया। साई बाबा की रिहाई के आदेश सस्पेंड किए जाने के बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नागपुर बेंच के साई बाबा को रिहा करने का रिजल्ट उनके लिए शॉकिंग करने वाला था, क्योंकि जिस इंसान के खिलाफ नक्सलवादियों की मदद करने के इतने सबूत हैं उसे केवल टेक्निकल मुद्दे पर छोड़ना गलत था। इस निर्णय के बाद हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने तुरंत बेंच गठित किया और उस बेंच ने आज यह साई बाबा के रिहाई का ऑर्डर सस्पेंड किया। फडणवीस ने कहा कि आगे की कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि जो पुलिस नक्सलवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए उनके परिवार को राहत देने वाला यह डिसीजन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के उस निर्णय को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिसमें माओवादियों से संबंध रखने वाले, उनको मदद करने वाले प्रोफेसर साई बाबा को एक्विट किया गया था। मैंने कल भी इस बात पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना ये बहुत ही दुर्दैवी था, लेकिन इस बात का मुझे बहुत समाधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, आज उस हाई कोर्ट के निर्णय को सस्पेंड किया। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमें हम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। नेशन नेक्स्ट, न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।